हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सर्किट सिस्टम। और आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शन हमें काम आता है, जैसे कि हमारी जो एचटीएमएल होती है, जो एचटीएमएल हमें 30 मीटर लंबी लेंथ हो और उसमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। पर आप अंडरग्राउंड करना चाहते हो, पर वो अंडर बड़ी साइज़ होने की वजह से और उसकी बड़ी साइज़ होने की वजह अंडरग्राउंड नहीं हो पाती, उसे ओपन ही हमें देखना पड़ता है, इसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो तो हमें बड़ा छेद होता है और बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने एचडीएमआई इंस्ट्रक्शन के बारे में आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल नहीं करते, और उसकी क्या क्या हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एचडीएमआई होती है, जो एचडीएमआई है उस एचडीएमआई हमें कॉस्टली पड़ती है और एचडीएमआई इंस्ट्रक्शन हमें थोड़ा कम रेंज तक का पड़ता है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी के बारे में है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए। इंशाल्लाह हम सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एचडीएमआई इंस्ट्रक्शन और इसके बारे में आपको बताते हैं इनमें क्या क्या मिलते हैं। इसमें विदाउट पावर होती है और इसमें हमें पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हमें एक लैन केबल बनानी पड़ती है और लैन केबल बनाकर इसे हम कनेक्ट करते हैं, और किस तरह कनेक्ट करते हैं इसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये होगी हमारी इंस्ट्रक्शन और इसमें हमें क्या देखने को फीचर मिलते हैं। ये हमारे 30 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, जो अच्छी खासी लेंथ होती है, जो कि हमें बड़ी है 30 मीटर तक, और हमें कम कॉस्ट तक मिलती है। जो एचडीएमआई अगर हम बात करें एचडीएमआई की, तो एचडीएमआई को 30 मीटर तक लेने के लिए हमें काफ़ी रेंज लगती है, जो कि हमें 5-6 हज़ार मिनिमम मान सकते हैं। तो और इसे हमें अंडरग्राउंड भी करना है, तो अंडरग्राउंड के लिए हमें ये जो केबल होती है, बड़ी केबल होती है, जो पाइप के अंदर आसानी से फिट नहीं होती है, कई बार तो ये ख़राब तक भी हो जाती है, इस कारण हम एचडीएमआई तक नहीं लगा पाते। तो इसके लिए हमें फ़ायदा ये होता है, तो हमें ये लेन केबल बनानी पड़ती है। जो लेन केबल होती है, हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, ये हमें लेन केबल होती है, जो एक तार होता है जिसे हम पाइप में आसानी से डाल सकते हैं और आसानी से फिट कर सकते हैं और एक आसानी से लंबी लेंथ बना सकते हैं, जो एचडीएमआई के लिए होती है। तो अब मेरी बात समझ गए होगे, तो इसे हम अंडरग्राउंड आसानी से फिट कर सकते हैं और इसे हम 30 मीटर तक आराम से इसे हम कवर कर सकते हैं, जो कि आसानी से कवर कर सकता है, यानी 30 मीटर तक। ये तो 30 मीटर तक हमारी जो मतलब जो डीवीआर होता है और 30 दूर और हमारी जो एलईडी होती है वहाँ तक आसानी से सपोर्ट कर लेता है। और बात इसकी करें तो ये 30 मीटर तक कर तो लेता है, पर इसकी अंडरग्राउंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका तार बड़ा मोटा था और इसका तार करीब मिनिमम 6 mm का आता है, तो इससे आसानी से हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एचडीएमआई की प्रॉब्लम नहीं होती है और ये हमें कॉस्टली पड़ती है और उसका तार बड़ा आता है और अंडरग्राउंड नहीं कर सकते। तो इस लैन केबल को कैसे बनाते हैं, मैं आगे जाकर आपको इसकी वीडियो बताने वाला हूं। तो अभी तो हम इसके बारे में जानेंगे, तो हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बिना वक्त गवाए बिना हम इसे खोल के देखता हूं। और हाँ, हमें क्वालिटी 4K और 2K तक भी और 3D तक भी हमें आसानी से मिलती है। ठीक है, और इसमें हमें अच्छी तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है और इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी पसंद आई, इसकी और ये अच्छी रेंज तक है। और ये RX और TX, इसका मतलब है आउटपुट इनपुट, जो है TX यानी आउटपुट जो हमें DVR से अटैच करने के लिए या कोई अदर चीज़ है प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए होती है, और RX का यानी कि हमें LED या किसी और से सपोर्ट करने के लिए होती है। तो इसे कैसे लगाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुझे अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, मुझे बहुत पसंद क्वालिटी आई और ये हमें अच्छी रेंज तक मिलती है, जिससे हमें एचडीएमआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अंडरग्राउंड में भी अच्छी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात, ये तार बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है, जो लेन केबल का जो तार आता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। तो अब मैं इसको इसे लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो बिल्कुल हम ऐसे ही इसे लगाते हैं, तो हम RX यानी आउटपुट को हम यहाँ लगा देते हैं और ये हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, तो आप इसे आराम से लगा लेना, कोई इस तरीके से हम लगाते हैं, जो LED और DVR में कनेक्ट हो जाते हैं और इसी तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए। इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।